मेरे खुद के सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नानी खिचड़ी चल रहा है सुगल से। हाँ सही बात है। 5 महीने पहले और बाद में जितना खांसी हो गई, मैंने 2-3 बार खांसी करी है, बहुत दर्द हो रहा है। ये जिमड़ू चुप 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 करके दूध पी रहा था मैं। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। चीकू इतना चंटा है वहाँ से बैल बजा रही है बाहर की, कह रहा है दीदी के लिए ना कोल्ड ड्रिंक मंगानी है, दीदी को कोल्ड ड्रिंक पीनी है। पीनी इसको अंदर से, मन इसका कर रहा है, चीना का नाम लगा रहा है, नाम उसका ले रहा है। खुश होगी तो अंदर से कि नाम मेरा लग जाएगा, मैं भी 2-4 घुट पी लूंगी। सिस्टर कह रही बैल किसने बजाई, मैंने कहा हमने तो नहीं बजाई बैल, इसने यहाँ से बैल बजाई, इसके चक्कर में कोई मुझे ही भगाएगा। चीकू भैया पेशेंट के लिए होती है वो बैल। अरे कुछ नहीं होता लड़कों के लिए होती है। कैसी रहेंगे, क्या चेंज भी करेंगे गुलाब? कौन सा अभी आज लगाए देखो गुलाब, अब थोड़ी बार बार गुलाब चेंज करेंगे, जब तक जाएगी तब तक यही रहेंगे। आज तो मेरा वेलकम हुआ है ना, कल बेबी का वेलकम है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? भैया घर जा रहे हैं, गोलू के लिए खिचड़ी बनानी है। अच्छा, क्योंकि वो शांति थोड़ी गाड़ी गाड़ी वाली बनाएगी, वो नहीं खा पाएगी वो। तो भाभी वो बना देंगे, और लक्ष्य वगैरह उनको नहीं आती खिचड़ी ना उनकी। अच्छा मैं अब बनाने जा रही हूँ। अच्छा आप भी जा रहे हो? मैं जा रही हूँ, वो मेरे हाथ की खाएगी। और चीकू मैं इसको तो कहीं ले जाओ, इसको तो गेम ही खेलना है भाभी। रुक जा तू ऐसे नहीं सुधरेगा। अभी रोटी से पायल को मैं बोल रही हूँ घर चली जाओ, उसकी भी तबीयत सही नहीं है, मैं भी सोऊंगी गाइस। और पता क्या, जब से इंजेक्शन लगा ना भैया नींद नहीं आ रही मुझे, पैर वैर हिलना शुरू हो गया। हाँ देख उन्होंने बोला है पैर को ना बार बार ऊपर नीचे मूव करते रहो, और ना खुद भी थोड़ा मूव हो, तो मैं बस सर नहीं उठा रहा। सर उठाएगी तो सर दर्द हो जाएगा ना, सर बिल्कुल मत उठाइयो। ठीक है खिचड़ी लेके आती दही भी खा, दही पतला वाला दही खा सकते हैं। अच्छे से रगड़ के उसमें पानी डाल के उसको पतला देंगे, गाढ़ा नहीं। भाभी फिर भी पूछ लेना ना, मैं पूछ लेती हूँ दही के बारे में। खिचड़ी तो मैं उस हिसाब से ले आऊंगी, जीरा और नमक डाल के खिचड़ी बनाऊंगी। हाँ जीरा और जीरा का तड़का लगाएंगे। मेरे खुद के सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता है 2-3 बजे सोई होगी। 5:40 पे मैंने कॉल कर दिया था कि आ जाओ, तुम 10 मिनट में आ गए ना। उसके बाद मैं फिर घर गई 8:30 9:30 सोई, 12 बजे फिर उठ गई। मैंने तो मम्मी को फोन किया था गोलू आ गई रूम में, बस उसके बाद कहाँ सोई, उसके बाद से उठ गई हूँ। चल बेटा चले बच्चों के साथ, पूरे गेट पटक पटक के देख लो। चीकू यहाँ और भी मरीज है। चीकू बड़े भाई बन गए आप, थोड़ा सा समझदार हो जाओ। गिर गया वहाँ। अरे चीकू इतनी बार बोला भाई, देख के चलते तब से बोल रहे हैं। भाभी इसको तो देख लो, ये क्यों थक गया? ये देखो भैया मेहनत करके मोबाइल चला चला के। सही बात है, मोबाइल देखो 3-4 घंटे फोन देखा है इसने। अरे सर जी स्टेशन आ गया, उठ जाइए। तो बस घर पे आ गई हूँ, मैं फटाफट से ना खिचड़ी के चावल मंगाती हूँ, क्योंकि हमारे जो चावल है वो बासमती चावल है, वो खिचड़ी में नहीं डालने लगे, उसको बारीक वाले चावल खाने हैं। तो एक भी लेती हूँ, दूध भी लेती हूँ, मिल जाते हैं तो खिचड़ी के चावल। हाँ है, मना कर दू उसको? हाँ मना कर दो। गाइस बच्चों की जो अलमारी फाइनली जो है वो रेडी हो गई है, अभी थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है, तो कल मेरे ख्याल इसका काम पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और मंदिर वाली जो अलमारी है ना उसके शायद पल्ले गए ऊपर सेट होने के लिए, तो कल ये अलमारी मुझे पूरी सेट करनी है। बच्चों के सारा सामान निकालना पड़ेगा और सारा सामान सेट करना पड़ेगा। वैसे दीपक चावल भी साफ थे, दाल भी साफ थी, इसमें कंकड़ होगा नहीं? आंटी नहीं, को मैं थोड़ा कोई आ जाए उसको चला जाए, मार जा देख ले, ऐसे धो लियो अच्छे से ना। वो तो धोएंगे, आपके लिए भी बना दूंगी थोड़ी सी, खा लेना ना। मम्मी मुझे तो बिल्कुल पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, ज्यादा नहीं है, निकाल दो। ऐसा नहीं, साफ करके थोड़ा आधा अलग रख लियो सेपरेट, साफ करके ना एक तरफ आप कहीं डाल दो तो डब्बी में डाल के रख दो, फिर कहेगी फिर बना दो। कोई नहीं बना लो भाभी, कोई नहीं, हम भी हम खा लें। तू तो रहन दे, तू खाएगा खिचड़ी, उस खिचड़ी बनाई थी मैंने, कोई नहीं खा के गया था। हाँ, सारी वेस्ट, पड़ी थी, वेस्ट हो गई थी खिचड़ी। आज यो खिचड़ी खाएगा, आज यो खिचड़ी लवर हो गया। अभी मैंने उस दिन आपने खिचड़ी बनाई थी, एक बार यहाँ नीचे बैठ के खा रहे थे जब सब उंगली चाटते रहे थे, वो थी गणपति जी लेके आए थे। तब की तो कह रहा हूँ भाभी, बहुत टेस्टी वो, ऐसी तो खिचड़ी दोबारा मुझे कहाँ मिली थी वो वाली, वो तो खिचड़ी दोबारा बनी ही नहीं हमारी। गोलू बोल रही थी ना जिम के लिए, मैं उसके लिए रेडी करवा रही हूँ फटाफट ना, ताकि उसे वेट ना करना पड़े। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक वो वाली है क्या? वो वाली है, ये वाली जो है ना, ये है मल्टीपल एक्सरसाइज, मैंने बहुत एक्सरसाइज करी है। और तूने देखी भी मेरी एक्सरसाइज? हाँ भाभी देखी, याद है? ओके भाभी टमाटर पक गया भाभी, अभी की तोड़ रहे हो? नहीं वैसे भी अभी से और पकने दो भाभी, अभी छोटा ही। अरे ये इतने से ये बड़े नहीं हो रहे ये। तो मैंने आते घर पे सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहने, नाइट सूट से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे कुछ नहीं लगता है। तो अभी मैं मम्मी जा रहे हैं वापस से हॉस्पिटल, मम्मी ने बना दी खिचड़ी, तो गोलू की खिचड़ी पैक करते हैं और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। बन गई मम्मी खिचड़ी? हां बिल्कुल, मैंने गाल दी है अच्छे से। हैं अच्छे से गाल दी है। हां वो पीने लायक है ना। हां चावल चावल
से नजर नहीं आ रहे। हाँ नहीं सही लग रही है और उसके हिसाब से ठीक है, उसको ऐसे ही पसंद है। फिर वो गाड़ी गाड़ी खाई नहीं जाती। ले लूँ ना मैं? हाँ वो दीपक गया है। दही लेने गया है क्या? मैंने बोला है उसको, मैं कहा दही ले आओ, उसको भी रगड़ के पतला करना है। अच्छा तो ये डब्बे कल माही भाभी के घर से आए थे, इसी में फिलहाल खिचड़ी और दही जो है पैक करके निकलते हैं। चीकू मैडम को कॉल आया अभी, मैम कह रही है छुट्टी नहीं है, गुड फ्राइडे है लेकिन छुट्टी नहीं है, आपको सुबह 8:10 पे चीकू स्कूल में रिपोर्ट करना है। क्या करना है? रिपोर्ट। वो क्या होता है? जैसे अटेंडेंस लगानी है। ठीक है तो मैं भी गोलू माँ के पास जा रही हूँ, खिचड़ी देके आ रही हूँ, तब तक तू अपना थोड़ा टीवी देख के खाना खोके सो जा। ठीक है लक्ष्य? हाँ जी। तू इसको खाना खिला दे और सुला दियो, मैं गोलू के पास जाके आ रही हूँ। मैं बेटा 10-15-20 मिनट में आ जाऊंगी। हाँ, जब तक तो मैं खाना खा लूंगा। तो भैया अभी हमारी जो सासू माँ है उन्होंने खिचड़ी बना दी गोलू के लिए। निष्ठा और हमारे साथ मोनिका दोबारा से जा रहे हैं। निष्ठा थोड़ा सा बच्चे के बारे में पूछ रही है। हाँ, तो आप लोगों ने तो बच्चा देखा नहीं है पर बहुत ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल फॉरनर्स है, मतलब मैं बता नहीं सकती, अगर मैंने बता दिया तो वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हम जल्दी बच्चा भी दिखाएंगे, बहुत ज्यादा सुंदर है। तू क्या कहती है? बहुत क्यूट है। तो सीखी क्या भैया? स्मार्ट लॉन्ड्रा एकदम। तो हमारी माता श्री बहुत देर से नीचे वेट कर रही है और मैंने अभी गाड़ी की चाबी उठाई है। तो भैया हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल और लड़की ठीक है? तू दर्द से थोड़ा सा तो होगा बाबू ना, एक दो दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगी। कुछ खाने का दिल करे? खिचड़ी बनाई मम्मी ने, लिंडे को लेके आऊं? लिंडे को कल मॉर्निंग में आएगा। तो रात को नींद आ रही उसी बिना? बता ले आता हूँ जाके। जाओ तेरे को देखना है? मेरे तो कोई देखा ही नहीं, मैं तो बहुत अभी अब जाने देंगे? हाँ। देखो क्या कर रहे, खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाना है ना, सो कल से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात है। MBBS की? मम्मी खिचड़ी डाल दो, खिचड़ी। हाँ डालती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे खिचड़ी लेके आई है और मम्मी ने अपने कोमल कोमल हाथों से बनाई है, कोमल कोमल लड़की के लिए। मेरे लिए खिचड़ी, मैंने बोला मम्मी के आप बना दो खिचड़ी, क्योंकि वो कह रही थी कि ना अब दलिया या खिचड़ी खा सकती हूँ, मैंने खिचड़ी खाऊंगी। मम्मी इसको थोड़ा ऊपर कर दो, मैं इसको हाँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा, हल्का सा ही करेंगे। तो भैया एक माँ ने एक माँ की सेवा की, यानी कि गोलू की मम्मी ने आज हमारी बच्चे की माँ की सेवा की है पूरी, है ना भाई? हाँ सही बात है। कुछ खाने का दिल कर रहा है? नानी ने करी होगी है। मम्मी कुछ खाने का दिल कर रहा है? अभी मम्मी ने खिचड़ी खिलाई है बट ना ज्यादा नहीं खा पा रही, मैंने कितने चम्मच खाए, 4-5। आपको एक बात बता रही हूँ, जब गोलू पैदा हुई थी ना मार्च में हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी के घर 3 जनवरी को गई थी और 15 मई को वापसी आई थी। आप हिसाब लगा लो 5 महीने में अपनी मम्मी के घर गोलू के साथ रही थी। 5 महीने पहले और बाद में, पूरे 5। मुझे लग रहा है पापा से झगड़ा हो गया। अरे मेरा क्यों होगा, हमारे में मतलब कि 5-6 महीने रहते हैं। पहले रहते थे बेटा, पहले के रिवाज। झगड़ा मैं उनसे झगड़ा हुआ इसलिए गए होंगे। नहीं नहीं झगड़ा मेरा क्यों, रिवाज होता है ना, रोज देखने आते हैं। रिवाज होता है क्या? हाँ हमारे में है कि पहला बच्चा मायके में होता है। नहीं हमारे में कोई रिवाज नहीं, हमारे में सारे रिवाज होते हैं हमारे घर में होते हैं। हाँ। तो सही बात, सारे रिवाज आपने बनाए। तो भैया अभी गोलू को मैंने फोटो वोटो दिखा दिए लोंडे की दोबारा। और गोलू आंखें क्या थी, कैसी थी? आंखें बड़ी सुंदर थी, मम्मी ऐसी आंखें थी। मैं तो बोल रही हूँ आपने तो देखा, मैं क्योंकि जब मैंने देखा था ना सिर्फ फेस देखा था टच करके बस एक सेकंड के लिए। चल कोई बात नहीं, काम करता हूँ। मम्मी एक काम करो, फिर आप हो यहाँ पे ना, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है। आप जाओ फिर आराम करो। बाय बाय। पायल यार मुझे ना खांसी हो गई, मैंने 2-3 बार खांसी करी है, बहुत दर्द हो रहा है यार। मेरी बात सुन, सिस्टर को बुला ले, उसको बता दे खांसी हो गई है, वो एक इंजेक्शन लगाएंगे तो बॉडी में से चीटी सी काटेंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए, घबराइयो मत। ठीक है, क्योंकि मैं खांसी रोक नहीं पा रही और कर रही हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। इनको बोलती हूँ सिस्टर को बुला दो। बैठ नीचे कर दो, खराब हो रखी है आगे भी, आपको पता स्टिच लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो हो जाती है, थोड़ी क्रिटिकल रहती है हालत। जब तक जच्चा बच्चा घर ना पहुंचे तब तक ऐसे लगता है कि हालत खराब है ना। नीचे कर, नीचे कर उसको। नहीं बेटा नीचे मत करो, कहने को तो एक स्टिच है इतना बड़ा है। तो भैया मम्मी देखभाल कर रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना रुकने का है नहीं और लेडी प्रॉब्लम रहती है चीज़ों को लेके, तो नर्स आते हैं सब चीज़ें। तो मतलब मैं हूँ घर के पास ही है, 2-4 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर है नहीं। कितनी दूर का रास्ता घर पे? बस 5 मिनट भाई। हाँ तो मैंने बोल दिया जब तुझे जैसे कुछ दिक्कत लगे तो मुझे कॉल कर लो, थक गया बहुत ज़्यादा, बस घर जाके सोएंगे। तो गोलू की खांसी की वजह से तबीयत हल्की फुल्की खराब है और अभी इसको क्या ले रही है? नेबुलाइजर ले रही हूँ क्योंकि ना मेरे टांगों पे इफेक्ट आ रहा है, मैंने को 2-3 बार खांसी करी, बहुत दर्द हो रहा है बहुत। आराम कर ले ठीक है, मम्मी मुझे बता देना मैं यही हूँ ना। सेंड कर दो व्हाट्सएप पे।
तो अभी मैं पहुंचा सोसाइटी और अभी जिम वाले की कॉल आई है ऊपर, वो बोला कि जिम का सारा काम हो गया, आप एक बार संभाल लो और कल एक मशीन और आने जिसमें 5 सेशन एक साथ कंप्लीट है और उसके बाद हमारा जिम कंप्लीट हो जाएगा, फिर छोटा मोटा जो सामान डंबल वंबल मैट वैट ये वो एक्स वाई जेड थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो अभी जा रहा हूँ ऊपर। तो फाइनली गाइस कमाल की जिम लग गई है, बस एक मशीन रह गई है जो पूरे चकाचौंध लगाने वाली है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं पीछे चारों तरफ, थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है वो हम कल कर लेंगे। और खुशखबरी जैसे कि आपको पता ही है कि हम पापा बन गए हैं और आप सब लोग जितने भी हैं आपके घर में एक नया मेहमान आ गया है, आप देख लो जिम एकदम रेडी है। मुझे लगता है कि कोई कमी है, दादा कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ आपको लगता है कि कुछ एडवांस रखना पड़ेगा या फिर इसी में काम हो जाएगा? इसमें आपका ए टू जेड फ्रॉम नेक टू टो हर एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना, कम्प्लीट हो जाएगी बिल्कुल। अगर कोई चीजें कमी है तो हम दोबारा उठा के लेंगे, मुझे लगता है छोटी मोटी चीजें हैं, मैट वेट है, डम्बल है, रोड है या फिर मतलब और बेल्ट वेल्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं वो हम साथ साथ फिर वो इकट्ठा होती रहेंगे ना। और एड्रेस हम आपको देने वाले हैं, ये है जीरकपुर के अंदर, कहाँ पर है अपना ये? हमारा मेन अंबाला हाईवे पे मेट्रो स्पोर्ट्स द फिटनेस स्टोर जी। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी डालता हूँ जिसको भी चाहिए, बहुत ही कम प्राइस में अगर आपको जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलने वाली है 80 रुपए की, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। एक भाई और हो गया तेरे को तंग करने के लिए, जिमड़ू और जिमू ठीक है तू, खाना वाना खा रहे टाइम पे? मैंने अभी अभी वीडियो देखी, आपने भी भेज दी, गोलू ने भी भेज दी, किसी चुप 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 करके दूध पी रहा था मैं, और वो बहुत अच्छा लग रहा था जब आप उसे बोले थे छोटे लाल कुछ खाएगा, छोटे लाल कुछ खाएगा, अभी से थोड़ी खाएगा, अभी तो सिर्फ पिएगा वो। मैं मेरी बातें पूरी सुन रहा था, कह रहे पापा आप घर जाओ मैं सो रहा हूँ। अच्छा बोला उसने ऐसा? अच्छा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया वीडियो में, वो मेरे को बोला था उसने आंखों से ऐसे बोला, मैन टू मैन टॉक थी। हाँ मैन टू मैन टॉक थी ना, आप जैसे निकले हो ना तो मैम आई थी वहाँ पे चीकू की, मैम आई थी तो वो बोल रही थी कि बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेके गई है उसके लिए, बच्चे के लिए गले का काला धागा, चांद मोती, ये नजरिए और पैर के ये सब देके गई है, और बोल रही थी कि तुम लोग भी होते तो मैं मिल के जाती। मैंने कहा हम अरमान जी अभी अभी निकले हैं वहाँ से, और कोई नहीं आप कल मैं चीकू को भेजूंगी ट्यूशन, कह रही हाँ उससे मैं मिले वो बहुत दिन हो गए। तो गाइस आज के व्लॉग हम यही एंड करते हैं, बहुत ज्यादा थक गए, चेहरे से लग भी रहा होगा, तो राम राम नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और ध्यान रखो, सेफ रहो।